हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्टर रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही पसंद आती है बच्चों को। तो ये है वेज चीज़ बॉल्स। इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मैंने इसमें थोड़े वेजिटेबल्स भी डाले हैं जिससे बच्चे खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिक्सिंग बॉल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 4 मीडियम साइज़ बॉयल्ड पोटैटोज़ ले रही हूँ जिसमें मेरे 8 से 9 चीज़ बॉल्स आराम से बने थे। अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है चीज़ बॉल्स बनाने की तो आप इसमें पोटैटोज़ थोड़े से ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हमें एकदम कद्दूकस मैश करना है, इसमें खड़े खड़े दाने ना रहें, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। ये मेरा अच्छे से मैश हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग 1/2 कप बॉयल्ड कॉर्न्स लेंगे। कैप्सिकम 1/2 कप, अनियन बारीक कटा हुआ 1/4 कप, कैरेट 1/4 कप, ये भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मिक्स करते वक्त अगर आपको लग रहा है कि इसमें जैसे उबालते वक्त आलू में थोड़ा पानी रह जाता है, अगर आपको पानी की क्वांटिटी जैसे लग रही है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और यूज़ कर लीजिएगा। और इसमें आप और भी अपने घर में जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हो वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को ये अच्छा लगेगा और बच्चों को अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो ये मेरा वेज बॉल स्टफिंग पूरी तरीके से रेडी है। अब हम लोग कोटिंग करने के लिए उसका कोट तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मैदे का 2 टेबल स्पून यूज़ किया है, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसका एक स्लरी पेस्ट बनाना है जिससे ये जब हम इस बॉल्स को इसमें डालें तो ये अच्छे से उस पर कोट हो जाए। पानी बैचेस में डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा पतला घोल बन जाएगा, हमें सेमी थिन घोल चाहिए इसका। तो यहाँ पे मेरा ये देखिए कोटिंग पेस्ट पूरी तरीके से तैयार है। वहाँ मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ले रखे हैं। अब हम इस स्टफिंग से वेज बॉल्स बनाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ जो मैंने बॉल बनाई है, क्योंकि इसमें चीज़ लगने वाला है तो उसके लिए जगह तो चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, मैंने एक छोटा क्यूब काट लिया था। इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको लोई जैसा फिर से गोल जैसा बनाऊँगी, बॉल का आकार दूँगी। ध्यान रखिएगा कि चीज़ आपका कहीं से भी बाहर ना निकले। ये मेरी बॉल पूरी तरीके से तैयार है। अब इसको हम लोग ये कोटिंग पेस्ट में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल के ऊपर से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये हम लोग इसके लिए करते हैं दोस्तों कि इसका जो क्रिस्पीनेस है वो अच्छे से रहे, और जो हम लोग चीज़ अंडर डालते हैं तो तलते वक्त वो चीज़ मेल्ट होके बाहर ना आए। तो ये देखिए वेज चीज़ बॉल पूरी तरीके से रेडी है। इसी तरीके से बाकी की चीज़ बॉल्स बनाने के बाद इसको फ्रिज में कम से कम 30 मिनट के लिए हमें रखना है। तो यहाँ पे 30 मिनट में ये देखिए मेरी चीज़ बॉल्स अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब इसको हम तलेंगे। तलते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये नरम नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, मतलब चीज़ आपका नरम नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको इसको मीडियम हॉट ऑयल पर तलना है। तलते वक्त ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इसको तेज आंच पे ना तलिएगा नहीं तो ये जल सकते हैं, और ना ही धीमी आंच पे तलिएगा नहीं तो इसका चीज़ जल्दी मेल्ट होके बाहर निकल आएगा और ये आपके पूरे तेल में फैल जाएंगे। तो इसको बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे हिलाइएगा। इसको तलते वक्त आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको मीडियम लो फ्लेम ही रखनी है, एकदम लो फ्लेम या एकदम हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो ये जो
स्टार्टर है ना दोस्तों, ये आपको रेस्टोरेंट वगैरह में तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ कॉर्न्स और पोटैटो का यूज़ होगा। ये जो हमने बनाया है ये स्पेशली हमने बच्चों के लिए बनाया है, तो इसमें हमने थोड़े वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में मेरे यहाँ पे ये तेल अच्छे से तल जाएंगे। ये मेरे पूरी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से निकाल लेते हैं और गरम गरम सर्व करेंगे। फिर एकदम क्रिस्पी और क्रंची दिख रहे हैं ना, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये लीजिए, मेरी पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं आपको एक बॉल ज़रा तोड़ के अंदर से बता दूँ चीज़ कैसे अच्छे से मेल्ट होता है। थोड़ा केयरफुली तोड़िएगा, चीज़ गर्म रहता है। ये देखिए मेल्टेड चीज़, अभी अभी ये मुंह में जाएगा तो वाह 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 मज़ा ही आ जाएगा। तो ये मेरे वेज चीज़ बॉल्स पूरी तरीके से रेडी हैं। आप अपने घर में मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।